हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन 2020 की कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, कहीं कोई पॉइंट आप स्किप ना करें। पीएचडी सेशन 2020 अगस्त 2020। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट्स जो डेट हैं उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। ये जो अभी शेड्यूल है ये टेंटेटिव है, हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेज हो जाए। अगर इस तरह की कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम ज़रूर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने होगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा, ताकि जब भी मैं डीटीयू पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई नया लेटेस्ट अपडेट या और अन्य यूनिवर्सिटी की पीएचडी की इन्फॉर्मेशन दो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाए। ओपनिंग ऑफ वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी डिपॉजिट है वो 20 जुलाई 2020 है। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द रिटन टेस्ट ऑन डीटीयू वेबसाइट जो कि 6 अगस्त 2020 को होगा। इश्यू ऑफ द ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो 8/8/2020 को। डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 12 अगस्त 2020 एंड 13 अगस्त 2020 को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन डीटी वेबसाइट जो कि 14 अगस्त 2020 को होगा। डेट्स ऑफ इंटरव्यू रहेंगे वो 17 एंड 18 अगस्त 2020 को रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑन डीटी वेबसाइट 21 अगस्त को। डेट ऑफ एडमिशन जो स्टार्ट होंगे वो 24 से 26 अगस्त को स्टार्ट होंगे। एंड डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट फॉर द वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द डीटीयू वेबसाइट जो कि 9 सितंबर को होगा। एंड लास्ट राउंड फॉर द एडमिशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन फी डिपॉजिट रिसिप्ट जो कि 11 सितंबर को होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं पूरा प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको ये प्रोस्पेक्ट चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके अंदर बता सकते हैं। इसमें एडमिशन जो है वो पार्ट टाइम पीएस और फुल टाइम दोनों के लिए हैं। ये देखिए आप एडमिशन एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफर्ड और डिसिप्लिन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है। अप्लाइड फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट्स है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश इकोनॉमिक्स। आईटी के अंदर आईटी, यूएसएमई के अंदर मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट, डिजाइन के अंदर है। तो इन इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एडमिशन प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर्ड किए जा रहे हैं बाय द दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसके साथ साथ में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ये सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा जिसमें बताया गया कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स, प्रोसेसिंग द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी डन बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द पीएचडी कोऑर्डिनेटर नॉमिनेटेड बाय द वाइस चांसलर। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 90 मिनट का ड्यूरेशन का रहेगा जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। द कट ऑफ फॉर द सेम विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। और जो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हो सकता है कि टेस्ट के अंदर कुछ बदलाव किया जाए तो वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन में रहेगा और इस क्राइटेरिया पे बेस्ड रहेगा। इस बार ओमर बेस्ड भी हो सकता है, वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, एआई एंड मैनुअली प्रोक्टोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, एनी अदर मोड भी हो सकता है। इसके अंदर जो भी प्रोसेस रहेगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा।
एडमिशन फीस की हम बात करें तो द रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा वो 1000 रुपये रहेगा फॉर द जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 500 रुपीज़ रहेगा फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गए हैं, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी को रजिस्टर करना होगा बाय द DTU की वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बता भी देता हूँ कि पर www.dtu.ac.in पर, जो कि 24 जून से लेकर के 20 जुलाई 2020 तक आप इसके अंदर फॉर्म है वो भर सकते हैं। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर मांगे गए हैं वो आपको देने पड़ेंगे। बाकी आप डिपार्टमेंट वाइज भी सारी डिटेल्स वो ज़रूर चेक कर लीजिए इस प्रोस्पेक्टस में, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। ये फीस एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड जो चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। ट्यूशन फीस ये रहेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स के अकॉर्डिंग, ये आप देखते जाइए यहाँ पे, ये टोटल फीस है यहाँ पे। ये विड्रॉ एंड रिफंड पॉलिसी है, अगर आप अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं तो इसी इसके तहत आपको आपकी जो फीस है वो मिलेगी। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको जो ये एप्लीकेशन फ़ीस ना वो नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें वो नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन अगर आपने फ़ीस जमा कर दी है और आप इन तारीख से पहले अपने एडमिशन को विदड्रॉ करते हैं तो आपको आपकी जो फीस आपने भरी है वो आपको वापस मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, इस सीट मैट्रिक्स फॉर द फुल टाइम पीएचडी एडमिशन विद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर द सेशन अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग। देखिए आप इतनी इतनी सीटें हैं डिपार्टमेंट वाइज एंड विद सोशल कैटेगरी वाइज, ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी जानकारी देख सकते हैं। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं सर्टिफिकेट्स के। ये सिलेबस फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पीएचडी एडमिशन अगस्त 2020, ये डिपार्टमेंट वाइज सिलेबस है। काफ़ी स्टूडेंट सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए हम कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली है तो देन आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, और हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई गई यहाँ पर आप पूछ सकते हैं पूरी जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।